सप्लाई करते हैं और ये फैक्ट्री सिर्फ एप्पल से रिलेटेड जितने जूस बनते हैं ना वो उन पर काम करती है। और ये जैसे एप्पल की कॉम्बो होती है तो बेसिकली ये एप्पल की एप्पल जूसेस बनाते हैं जिसमें मिक्सिंग करते हैं, कॉम्बो करते हैं किसी पियर्स के साथ, अनानास के साथ, पोमग्रेनेट के साथ। अभी चलते हैं, देखते हैं ये फैक्ट्री है कैसा है और एक्सप्लोर करते हैं कैसे किस तरीके से ये लोग बनाते हैं। आखिर हमें कभी इससे पहले हमें विजिट करा नहीं कभी किसी फैक्ट्री में, जूस फैक्ट्री में कैसे चीज़ें होती हैं, बट इसमें चल के देखते हैं कि क्या प्रोसेस है, किस प्रोसेस में वो जूस हम तक पहुँचता है। हालांकि ये फैंसी जूस मैंने इससे पहले पिया है बट हमको अंदाजा नहीं था, बट ऑल ऑफ सडन हमें चांस मिला, मतलब मुझे चांस मिला कि मैं इस चीज़ें इन सब चीज़ों को देख सकता हूँ, उससे रूबरू हो सकता हूँ। तो नाउ आई एम हियर, तो देखता हूँ कि कैसे प्रोसेस होता है, कैसे क्या चीज़ें वो करती हैं, तो देखते हैं एंड में कुछ पीने वाने के लिए कुछ मिलता है या नहीं मिलता, क्या टेस्ट वगैरह कराते हैं नहीं कराते हैं, और क्या कितने हाइजीनिक तरीके से बनती हैं वो सब देखते हैं। तो दैट स्टेटिंग लेट्स गो एंड एक्सप्लोर दिस एप्पल जूस फैक्ट्री टूर, उसके बाद से देखते हैं कि ये टूर में कहाँ ले जाते हैं। चीज़ तो रियलाइज़ हुई कि काफ़ी हाइजीन मेंटेन कर रखा है इन्होंने और जो नेचुरल तरीके से जो जूस बनना चाहिए वो प्रीफर करा है इन्होंने और जो टेस्ट कराया इन्होंने हर तरह के जूस। Here we are for lunch. It's lunch time. हालांकि काफ़ी मज़ा आया रास्ते में क्योंकि मैं एक अकेला इंडियन, बाकी सारे यूक्रेनियंस, काफ़ी डिफरेंट अनुभव रहा है मेरा है कि ये जैसे प्लान किया था जैसे
वैसे ही स्मूथली जा रहा अभी तक तो, आगे देखते हैं कैसे क्या होता है। स्टार्ट दिन की अच्छी हुई थी जूस पीकर, अब लगता है एंड गंगा स्नान करने के बाद ही होगा। अब यहाँ से निकलेंगे बकोता के लिए और आज पूरा दिन बकोता एक्सकर्शन होने वाला है, देखते हैं कितना इंटरेस्टिंग होता है। वेलकम टू बकोता, आई एम एट माय फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ दिस टूर। जितना भी बोलूं उतना ही कम होगा इस जगह की तारीफ में, क्योंकि ये जगह वाकई में बहुत ही प्रीटी है। जस्ट वेटिंग फॉर आवर शिप, लेट्स सी ये एडवेंचरस टूर कैसा जाता है। Taking deep into this beautiful river, Dnister River. किसी ने कहा कि यहीं पास में mountain के ऊपर एक monastery है. So on my way to explore that monastery. चार सौ पाँच सौ मीटर चल चुका हूँ मैं। About to reach. अभी तो कम से कम 800-900 मीटर है। After 2 hours of trekking, पहुंच गया almost. जितने हाइट पे पहुंच रहे हैं धूप की इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। इतनी ट्रैकिंग जस्ट फॉर दिस व्यू ऑन टॉप। सो आफ्टर रीचिंग दिस मच हाइट वी नीड लिटिल रेस्ट, देन लेट्स सी आखिर इस बकोता मोनेस्ट्री में रखा गया, इतने हाई पैकेट बनाया क्यों है। काफी टफ ट्रैकिंग रहा। मैंने इसकी बजा ले।
मुश्किल चढ़ना होता ना उसे थोड़ा सा ही कम उतरना होता, दोनों ही रिस्की होते हैं तो काफ़ी केयरफुल रहना पड़ता है। गुड बाय टू दिस टापू, काफ़ी ट्रैकिंग वाला और एडवेंचरस और बीची टाइम रहा, रियली एंजॉयड।